नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रविकांत सिंह जी। रविकांत जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अभ्यास मैच के पहले दिन गेंदबाजों का बोलबाला। हेनरी निकोल्स के शतक से वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड बड़े स्कोर की ओर। सोफिया केनिन बनी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर और इस साल होने वाली वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रद्द। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई भारतीय टीम आज से दूसरा अभ्यास मैच खेल रही है। पहले दिन के खेल में क्या कुछ हुआ बता रही हैं दीपिका शर्मा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेला जा रहा दूसरा डे नाइट अभ्यास मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला और कुल मिलाकर 20 विकेट गिरे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडियन क्रिकेट टीम चायकाल के बाद 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की लड़खड़ाती पारी को संभालते हुए अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान अजिंक्य हाने ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। मयंक अग्रवाल महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने शुभमन गिल के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया। शुभमन गिल ने 43 रन बनाए जबकि पृथ्वी शॉ ने 40 रन की पारी खेली। हनुमा विहारी एक बार फिर से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए पर वो 15 रन ही बना पाए। अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर और ऋषभ पंत 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। पिछले प्रैक्टिस मैच के हीरो साहा 0 रन पर ही पवेलियन लौट गए। नवदीप सैनी ने सिर्फ 4 रन बनाए जबकि मोहम्मद शमी खाता खोलने में नाकाम रहे। टीम इंडिया ने 123 के स्कोर पर ही 9 विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद बुमराह ने सिराज के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया। बुमराह ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। बुमराह ने 55 रन की पारी खेली। बुमराह को सिराज का अच्छा साथ मिला और उन्होंने 23 रन बनाए। इन दोनों के बीच 10वें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सीन एवर्ट और जैक वाइल्डर मत ने 3-3 विकेट लिए। इसके बाद मेजबान टीम के बल्लेबाज भी टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके। पूरी टीम सिर्फ 108 रन ही बना सकी। 4 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए। विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिले। पहली पारी के आधार पर भारत ए को 86 रन की बढ़त मिली है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रविकांत जी, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा वो था कि शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के बल्ले से रन निकले लेकिन मिडिल ऑर्डर चरमरा गया। देखिए, मिडिल ऑर्डर को चरमराने में कोई बहुत ज्यादा हमें चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये हमारा रेगुलर मिडिल ऑर्डर नहीं है। आपके पास चेतेश्वर पुजारा रेस्ट किए गए हैं क्योंकि वो जो सर्टेनिटी है वो नहीं खेल रहे, विराट कोहली नहीं खेल रहे, तो आपकी मिडिल ऑर्डर वैसे भी बहुत मजबूत है और कोई चिंता की बात नहीं है। टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में से एक को मौका मिलेगा ओपन करने का, ऐसी उम्मीद की जा रही है। केएल राहुल भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही उनसे, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस आज बॉलर्स ने दिया है वो सबसे ज्यादा हार्टनिंग है। मैं बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की, उन्होंने तो जिंदगी का पहला हाफ सेंचुरी बनाया ही, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही है कि शमी और नवदीप सैनी दोनों ने गेंद को अच्छा स्विंग कराया और पिंक बॉल से अमूमन स्विंग कराना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों स्विंग कराने में और सीम का इस्तेमाल करने में कामयाब रहे ये दिखा रहा है कि इंडियन बॉलर्स भी अब उस पिंक बॉल के साथ अपना कारनामा दिखाने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। अब जबकि एक और इनिंग बाकी है अभ्यास मैच का और उसके बाद टेस्ट मैच होगा, ऐसे में आप क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं खासकर ओपनिंग स्लॉट के लिए? देखिए, ओपनिंग स्लॉट के लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि विराट कोहली किसके साथ जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये उम्मीद है कि शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल को मौका मिलेगा टॉप ऑफ द ऑर्डर। विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस आ रहे हैं और जो मध्यक्रम है हनुमा विहारी के बल्ले से दोनों प्रैक्टिस मैच में रन नहीं बने। राणे ने शतक लगाया था यहां फेल हुए। एक और स्लॉट है विकेट कीपिंग का, पंत को मौका दिया गया उनके बल्ले से भी रन नहीं बने। साहा 3 इनिंग्स में 2 बार 0, 1 बार अर्धशतक। नहीं, देखिए कीपर की जहां तक हम बात कर रहे हैं हमें बैटिंग क्यों नहीं देखना चाहिए, हमें एक कीपर चाहिए। बैट्समैन अगर बैटिंग करते हैं रन बनाते हैं वो बोनस है और एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर
मैं समझता हूं कि अभी रिद्धिमान साहा आपके नंबर वन टेस्ट विकेट कीपर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका ग्लव वर्क जो है उसके बारे में बिल्कुल भी शंका नहीं है। पंत को मौका दिया गया है कि इस टेस्ट मैच में अगर कुछ खास वो प्रदर्शन करें तो शायद उनको कंसिडर किया जाए। मौका मिल रहा है, युवा खिलाड़ी हैं, फायदा अगर उठा पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडिलेड में साहा की जगह वो ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ए के कैमरन ग्रीन को इस मैच में गेंदबाजी के दौरान सिर में गेंद लग गई, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा है। अभ्यास मैच में यह दूसरी बार है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी को सिर में गेंद लगी हो। पहले अभ्यास मैच में विल पुकोवोस्की को सिर में गेंद लगी थी और इसी कारण वो कनकशन के चलते इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। जो ताजा खबर ग्रीन के बारे में है रविकांत जी की, वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। पहले अभ्यास मैच में शतक जड़ा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्शन हुआ था और अब दुर्भाग्य। नहीं, ये तो देखिए दुर्घटना है। और गेंद भी कब लगी, बुमराह का शॉट जाके सीधा सर पे लगा, तो उस समय आप खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता है उसके लिए। मतलब गेंद इतनी तेज आई थी कि बचने का कोई मौका था ही नहीं, और कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में उनको बाहर बिठा के दूसरा खिलाड़ी लाया गया है। इसमें कोई मतलब हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, उनको बहुत ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा क्योंकि अभी समय काफी है। 17 से पहला मुकाबला 17 तारीख से, तो अब एक हफ्ता है और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चोट इतनी गंभीर है कि वो टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि टेस्ट मैच तक वो अवेलेबल हो जाएंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फीजियो ने उन्हें पूरी तरह फिट बताया, जिसके बाद अब उनके ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने की पूरी संभावना है। रोहित शर्मा 19 नवंबर से ही एनसीए में थे और आज उनका फिटनेस टेस्ट था। बीसीसीआई ने इससे पहले बता दिया था कि अगर रोहित फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा सकते हैं। आईपीएल में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वो पूरे दौरे से बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो फिट हैं। अच्छी खबर है रविकांत जी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ओपन करेंगे या मिडिल ऑर्डर? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का सही स्थान तो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही है, और अगर वहां पे उनको जगह दी जाती है तो फिर शुभमन गिल को शायद नीचे खिसकना होगा, नंबर 4 या 5 पे। हनुमा विहारी 5 या 6 पर ही बेस्ट है, 5 वैसे अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। हनुमा विहारी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं नंबर 6 पर, और सही जगह हनुमा विहारी की है भी नंबर 6 पर, क्योंकि पार्ट टाइम बॉलर भी हैं, थोड़ी बहुत अच्छी खासी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, इस कारण से उनका 6 पर खेलना ही सही रहेगा। और रोहित शर्मा की फिटनेस का जहां तक सवाल है उस पर काफी विवाद हुए हैं, उन विवादों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है टेस्ट मैचेस में, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि है वो नॉर्मली हार्ड हिटिंग प्लेयर, टेस्ट मैच की तरह रुककर लंबी इनिंग्स खेलने के आदी नहीं है। जो भी विवाद रहा बीसीसीआई और रोहित शर्मा के बीच, कोहली ने भी कहा कि उनको उनकी इंजरी के बारे में नहीं पता है। अब यहां से क्या तस्वीर आप देखते हैं, रोहित शर्मा सीधे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या अब भी कुछ पिक्चर बाकी है? नहीं, अभी कोई बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि वो जाएंगे। और देखिए, सबसे अहम बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो थी कि जब रोहित शर्मा जाएंगे तो कप्तान कौन होगा। जी, इस बात पर बीसीसीआई ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है, दोनों प्रैक्टिस मैचेस में कप्तान अजिंक्य रहाणे रहे। ये अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और विराट कोहली की अनुपस्थिति में अगर रोहित का बल्ला चलता है तो भारतीय टीम जोरदार टक्कर देगी। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच आज से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हुई है। पहले दिन के खेल के रिपोर्ट के साथ हैं रवि कपूर। कीवी टीम ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 294 रन बना लिए हैं। हेनरी निकोल्स ने शानदार शतक जड़ा और अभी भी नाबाद हैं। पहले दिन स्टंप्स के समय हेनरी निकोल्स 117 और काइले जेमिसन 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। महज 78 रन तक 3 विकेट चटकाकर कैरेबियाई गेंदबाजों ने अपने कप्तान के इस फैसले को सही भी साबित किया। इस मुकाबले में नियमित कप्तान केन विलियम्स नहीं खेल रहे हैं और कप्तानी की जिम्मेदारी टॉम लेथम के पास है। उन्होंने ओपनिंग करते हुए 27 रनों की पारी खेली। टॉम ब्लंडेल ने 14 रन बनाए, रॉस टेलर भी सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने। 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरने के बाद हेनरी निकोल्स और विल यंग ने पारी को संभाला।
दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 70 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। विल यंग 43 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बीजे वॉटलिंग ने भी 30 रनों की पारी खेलकर हेनरी निकोल्स का अच्छा साथ दिया। इसके बाद डेरिल मिचेल ने भी 42 रनों की पारी खेली और निकोल्स दूसरे छोर पर टिके रहे। वो अभी तक 207 गेंद पर 117 रन बना चुके हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से शेनन गैब्रियल ने अभी तक 3 विकेट चटकाए हैं, जबकि चेमार होल्डर को 2 विकेट मिले हैं। कैरेबियाई टीम चाहेगी कि वो खेल के दूसरे दिन कीवी टीम को जल्द से जल्द समेटे, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जितना हो सके उतना बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। टॉप ऑर्डर के फेलियर के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर और जो उनका मिडिल ऑर्डर है निकोल्स के साथ एक अच्छी साझेदारी करने में सफल रहा। यहां पे बहुत ज्यादा कमी खल रही है केन विलियमसन की न्यूजीलैंड को। हेनरी निकोल्स ने मामला संभाल लिया, गनीमत है, वरना ये मैच उनके हाथ से साफ निकलता दिख रहा था पहले सेशन के बाद, क्योंकि उस समय वेस्टइंडीज के बॉलर्स पूरी तरह से हावी थे, स्विंग अच्छी मिल रही थी और ऐसे भी विंडी वेलिंगटन कहते हैं, जब हवा तेज चलने लगती है वहां पे दक्षिणी ध्रुव से, तो उस समय बॉल इतनी ज्यादा स्विंग होने लगती है कि संभालना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब समझे कि जब घरेलू बल्लेबाज इतनी मुश्किल में थे, फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए भी काम आसान बिल्कुल नहीं होगा। रविकांत जी, यहां अब कहते हैं कि जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं। रॉस टेलर ने कहा है 2023 की विश्व कप पर नजरें हैं उनकी, उनका बल्ला चल नहीं पा रहा है कुछ मुकाबलों में। देखिए, खिलाड़ी अपनी तैयारी कहीं से कुछ भी करे, लेकिन जब तक रन नहीं बनाएगा बैट्समैन, बॉलर विकेट नहीं लेगा, तब तक उसके परफॉर्मेंस को आप तवज्जो नहीं दे सकते। और रॉस टेलर के साथ मुश्किल ये है कि वो भले ही 2023 देख रहे हैं, लेकिन क्या चयन करता भी वही देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब एक युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों को मौका देना शुरू करना होगा अगर वो चाहते हैं 2023 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी करना। विल यंग ने यहां प्रॉमिस दिखाया, डेब्यू किया था पिछले मैच में। केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, 43 रन की पारी खेली उन्होंने। यही बात है कि जो युवा खिलाड़ियों को जो मौका मिलता है उसको जब वो भुनाना शुरू करते हैं, तो जाहिर है कि जो वेटरन्स हैं, जो आपके मतलब स्तंभ माने जाते हैं टीम के, उनके ऊपर प्रेशर आना लाजमी है कि आपको अपनी जगह बनाए रखने के लिए टीम में आपको रन बनाने पड़ेंगे। अब जब केन विलियमसन वापस आ जाएंगे तो जाहिर है कि विल यंग को बाहर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से एक छोर संभाला है काफी देर तक जी, और इसी कारण से अब प्रेशर पूरी तरह से रॉस टेलर के ऊपर होगा कि सेकेंड इनिंग्स में उन्हें परफॉर्म करना ही होगा। जी हाँ, अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज, जैसा कि रविकांत जी कह रहे हैं, कि विंडी वेलिंगटन में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या इस मुकाबले में फाइट देते हैं, या फिर पहले टेस्ट मैच की तरह न्यूजीलैंड के गेंदबाज हावी होंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक को 2020-21 सत्र के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने आज इस बात की जानकारी दी। डीकॉक श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली श्रृंखला में टीम की कप्तानी करेंगे। श्रीलंका के साथ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा भी कर दी गई है। ये 2 मैच बॉक्सिंग डे और नए साल पर खेले जाएंगे और टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। सारेल इरवी, ग्लेंटन स्टूरमैन और काइले वेरियेने को टीम में जगह मिली है। वहीं वियान मल्डर चोट से वापसी कर रहे हैं। कगिसो रबादा और ड्वेन प्रिटोरियस का नाम टीम में नहीं है, लेकिन उनकी चोट पर निगाहें रखी जा रही है। और इसी से जुड़ती एक और खबर है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज रद्द होने से मुश्किल में फंसे दक्षिण अफ्रीका को बड़ी राहत मिली है। श्रीलंका की टीम 2 टेस्ट की श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने को तैयार हो गई है। रविकांत जी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे जब वो श्रृंखला काफी विवादों के बाद कोविड पॉजिटिव खिलाड़ी हुए, होटल का स्टाफ कोविड पॉजिटिव हुआ, फिर वनडे मुकाबले शिफ्ट हुए, फिर रद्द हुए, तब लग रहा था कि शायद श्रीलंका की टीम भी नहीं जाएगी। और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कहा कि कुछ देश जानबूझकर यहां नहीं आने देना चाहते हैं। अब सब कुछ सेटल होता दिख रहा है। देखिए, सबसे मुश्किल बात यह होती है कि आपको जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं वो किस तरह के किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोविड की परेशानी के कारण टीमें दौरा करने में हिचकिचा रही हैं। आखिर भारत को भी ये शेड्यूल्ड टूर तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया का जी, लेकिन अनशेड्यूल्ड आपने एक टूर किया जी, जिसमें आपने ओडीआईज, टी20s, टेस्ट मैचेस सबको शामिल किया, और वहां से जो फायदा हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, ये देखते हुए बाकी टीमें भी अपना बायलैटरल सीरीज करना चाह रही हैं। श्रीलंका जा रही है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अगले साल पाकिस्तान जाने को तैयार है, तो इंग्लैंड आएगी इंडिया, तो ये दिखा रहा है कि टीमें अब दौरा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि
सावधानी पूरी तरह से बरती जाए। और साउथ अफ्रीका में भी मुझे उतना घबराहट नहीं है कि कोविड पॉजिटिव के कारण ये हो सकता, कहीं भी हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते आप दुनिया में। लेकिन इंग्लैंड की टीम जिस तरह से उन्होंने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई इस मामले में अपने डिसिप्लिन में जी, वो थोड़ा सा मुश्किल की बात है। क्विंटन डिकॉक पर क्या कहेंगे, कप्तानी मिली है टेस्ट मैचों की भी, पूरे सत्र में वो कप्तानी करेंगे। मैं उसे स्माइलिंग असैसिन कहता हूं, मासूम सा चेहरा है लेकिन बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं और जिस तरह से वो सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, जिस तरह से गेम रीड करते हैं एज अ कीपर, वो दिखाता है कि उनके पास बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन है और इसी कारण से उनको लीडरशिप दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका को नए मजबूती तक ले जाएंगे। क्रिकेट के बाद अब टेनिस की बात करते हैं। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अलका सिंह। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 के बाद इस अवार्ड को पाने वाली पहली अमरीकी महिला खिलाड़ी हैं। 2015 में सेरेना विलियम्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केनिन ने इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया था। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। उन्होंने फाइनल में स्पेन की दो बार की ग्रैंड स्लैम गार्बिन मुगुरुसा को 6-2, 6-2 से हराया। केनिन 2008 के बाद इस टूर्नामेंट को जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी। उनसे पहले रूस की मारिया शारापोवा 20 साल की उम्र में चैंपियन बनी थी। सोफिया केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली 8वीं अमरीकी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सेरेना विलियम्स, मार्टिना नवरातिलोवा, लिंडसे डेवनपोर्ट, ट्रेसी ऑस्टिन, क्रिस एवर्ट, वीनस विलियम्स और जेनिफर आरियातीती इस अवार्ड से सम्मानित हो चुकी थी। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 1977 से दिया जा रहा है। अब तक 20 बार अमरीकी खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं। सबसे ज्यादा 7-7 बार सेरेना विलियम्स और मार्टिना नवरातिलोवा इस अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। टेनिस से जुड़ी एक और खबर है। भारत के सबसे महानतम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कहा है कि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भाग लेना उनका लक्ष्य है। कोलकाता के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रिपरेशन इवेंट्स में किसी भारतीय खिलाड़ी के साथ ही वो खेलना चाहते हैं। साल 2020 में मार्च के बाद पेस ने अब तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है। कोरोना काल से पहले उन्होंने कहा था कि 2020 उनके करियर का अंतिम साल होगा। लिएंडर पेस सिर्फ ओलंपिक ही नहीं बल्कि अगले साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेलकर 100 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में हिस्सा लेने का रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं। प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है रविकांत जी, लेकिन क्या अब उनमें दमखम बचा है? देखिए, डबल्स प्लेयर हैं और अगर एक मजबूत साथी उन्हें मिल जाए तो उनका अनुभव बहुत काम आता है और खासतौर पर जिस तरह से ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक्स का उनका परफॉर्मेंस रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक की बात है कि वो दोबारा क्वालिफाई करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, उम्र किसी के लिए इंतजार नहीं करता और लिएंडर पेस भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें अपना फिटनेस तो प्रूव करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि रोहन बोपन्ना उनके साथ खेलेंगे? देखिये, ये सवाल बहुत ही गूढ़ है क्योंकि रोहन बोपन्ना खेलना चाहे या नहीं ये इस बात पर निर्भर है कि AITA उनको पेयरिंग करने के लिए कहता है या नहीं। फिलहाल महेश भूपति मौजूद हैं डेविस कप टीम में, तो इस कारण से शायद वो पेयरिंग उतनी कामयाब ना हो, लेकिन किसी और पार्टनर के साथ भी लिएंडर परफॉर्म कर सकते हैं। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि चीन के नानजिंग में इस साल होने वाली वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को मार्च 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कल इसकी जानकारी दी है। कोरोना महामारी के कारण ऐसा किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने यह भी कहा है कि साल 2022 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तय कार्यक्रम के अनुसार बेलग्रेड में ही होगा। ISL में जो इस समय मुकाबला चल रहा है वो अगर हम आपको बताएं तो फतोरदा में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैदराबाद FC का सामना कर रही है ATK मोहन बागान की टीम और कल ईस्ट बंगाल को ड्रॉ खेलना पड़ा। अब तक जीत का खाता नहीं खुला है। रविकांत जी, अब समय नहीं है कि इस पर किसी और खबर पर आपसे चर्चा करें। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।